Competition community for the first time is coming up with CGPSC pre English medium course. I'm Pokhraj Giri and I've dealt with Chhattisgarh General Studies in such a manner that the entire syllabus, along with the necessary and reliable information, with the help of maps and graphs, have been covered in a very concise manner, which will definitely prove to be very helpful for your preparations. So hurry and grab this opportunity as soon as possible. Thank you and take care. Hello friends, welcome to the CGPSC mobile course of competition community. I'm Nikat Parvin Khan and in today's class of polity, we will be continuing the topic of parliament. हमने पार्लियामेंट के टॉपिक के ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर्स डील कर चुके हैं और इन 3 वीडियो लेक्चर्स के जरिए हमने उसकी सारी बेसिक चीज़ें यानी लोकसभा, राज्यसभा, उसकी कॉम्पोजिशन, पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन, स्पीकर के पावर्स, उसके अलावा दीगर चीज़ें, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. लेकिन आपको बताया था मैंने पार्लियामेंट इज़ अ वेरी 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 चैप्टर एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल, तो उस वजह से इसमें कई और चीज़ें बची हुई हैं, तो हम अगले 3 लेक्चर्स के जरिए इसको कंप्लीट करेंगे. यानी कुल मिलाकर के पार्लियामेंट के इस टॉपिक पे आपके 6 लेक्चर्स होंगे. 3 हो चुके हैं. टुडे इज़ द 4th लेक्चर ऑफ पार्लियामेंट और आगे फिर 2 लेक्चर्स होंगे, तब जाके पूरा टॉपिक आपकी एग्जाम की पर्पस के हिसाब से कंप्लीट होगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो साल भर बैठ करके काम करते हैं. ये लोग मीटिंग्स के जरिए अपने कार्यों का संपादन करते हैं. व्हाट डज दैट मीन? दे मीट वंस इन अ व्हाइल. ठीक है, वो मीटिंग्स करते हैं और उसके बाद वहाँ पर जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस होते हैं, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो सब उन मीटिंग्स की ड्यूरेशन में ही कंप्लीट होते हैं. फिर वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर कुछ दिन तक नहीं काम होता, फिर वो लोग मीट करते तो फिर काम होता है. इस तरह से पार्लियामेंट वर्क करती है. तो वो जो मीटिंग्स है ना, उसी से रिलेटेड है सेशन. व्हाट इज़ अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? इफ़ आई से अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट इज़ अ सीरीज ऑफ मैनी मीटिंग्स ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. कई सारी मीटिंग्स की जो सीरीज है उसे एक सीरीज को आप सेशन बोलते हैं. या अगर दूसरे वर्ड्स में मैं डिफाइन करूँ, द सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट इज़ अ period spanning between the first sitting of the house and the prorogation of the session. ठीक है, पहली sitting या पहली meeting से लेकर prorogation, इन्हें पूरी meetings का जो series है उसके end तक, meeting के series के end तक, first meeting से meeting के series के end तक का जो time span है वो एक session कहलाता है. ठीक है, तो दो मैंने तरीकों से इसको डिफाइन कर दिया. पहला मैंने कहा इट इज़ अ सीरीज ऑफ मैनी मीटिंग्स ऑफ अ हाउस, सेशन. ठीक है, या दूसरा मैंने कहा पहली मीटिंग से लेकर के सीरीज के एंड तक का जो टाइम स्पेन है उसे आप सेशन कहते हैं. दीज आर जस्ट आई एम पुटिंग फ्यू वर्ड्स टू व्हाट यू ऑलरेडी नो. यू नो व्हाट अ सेशन मीन्स. ठीक है, बस मैं उसको वर्ड्स दे रही हूँ और कुछ भी नहीं है. ठीक, अब सेशन ऑफ द पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स हैं जो आपको देखने हैं. और एक ध्यान में रखें कि पहली मीटिंग से लेकर लास्ट मीटिंग के बीच का टाइम स्पेन को आप सेशन बोलते हैं और दो सेशंस के बीच का जो गैप होता है उसको हम रिसेस बोलते हैं. रिसेस, लाइक वी हैव अ रिसेस इन आवर इंस्टीट्यूट्स. तो रिसेस, दो एक सेशन ख़त्म हुआ, दूसरा सेशन ख़त्म हुआ, उसके बीच का टाइम पीरियड जब काम नहीं होता, जब मीटिंग्स नहीं होती है, उसको हम रिसेस बोलते हैं. ठीक है, सेशन देन रिसेस, सेशन देन रिसेस, ऐसा होता है पूरे ईयर में. ठीक, सो अब हम देख लेते हैं कि ये सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में क्या कुछ नोटेड डाउन है. एज आई सेड, सेशन इज अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स या टाइम स्पेन बिटवीन द फर्स्ट मीटिंग एंड द लास्ट मीटिंग. गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेशंस कैन बी मैक्सिमम 6 मंथ्स. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो रिसेस होती है ना, रिसेस पीरियड 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता. एक बार एक पार्लियामेंट का सेशन कंप्लीट हुआ यानी पूरी मीटिंग्स की श्रृंखला कंप्लीट हुई और अगली स्टार्ट होने वाली है, उसके बीच में हद से हद 6 महीनों का गैप हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. इसका मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट एटलीस्ट 2 सेशंस शुड बी हेल्ड पर ईयर. 6 महीने का गैप का क्या मतलब है कि एक साल में कम से कम 2 सेशन होने चाहिए. 6-6 महीने के गैप में मतलब 2 ही सेशन हो पाएंगे. ठीक है, तो 2 सेशन का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हम
दो नहीं तीन सेशन करते हैं, एटलीस्ट टू बोला गया है ना, टू नहीं लिखा गया, एक्चुअली सिक्स मंथ गैप वाली बात की गई है, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट टू तो होनी चाहिए। हम टू की जगह पे थ्री मीटिंग्स रखते हैं, तो छः छः महीने के गैप की जगह अक्सर तीन सेशंस होते हैं और बीच में तीन तीन महीने के गैप्स होते हैं, ताकि जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो स्पीडी तरीके से होते जाए। ठीक है, तो नॉर्मली इन एन ईयर जनरल सेशंस की अगर हम बात करें तो देर आर थ्री जनरल सेशंस, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देर कैन बी टू जनरल सेशंस। डू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन दो की बात करता है, जनरली जो ट्रेंड है वो है तीन सेशंस की। एंड कौन से तीन एनुअल सेशंस होते हैं? द फर्स्ट वन इज द बजट सेशन। बजट सेशन अगर मैं फर्स्ट वन बोल रही हूँ तो मैं एक नॉर्मल ईयर के हिसाब से बोल रही हूँ, ना कि एक फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी, अगर वहाँ से देखा जाए तो पहला सेशन होता है बजट सेशन, इन विच द बजट इज प्रेजेंटेड फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल। ठीक है, अप्रैल से जो स्टार्ट होने वाला है नया फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए बजट पेश होता है फेब्रुवरी में। ठीक है, अभी जो करंट रनिंग ईयर है फाइनेंशियल वाला, उसका एंड कब होगा? मार्च में। तो उसी में फरवरी मार्च में अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट पेश होता है। तो एक नॉर्मल ईयर के हिसाब से देखा गया तो पहला वाला जो सेशन है वो बजट सेशन ही होता है, विच यू ऑल नो दैट अकर्स बिटवीन फरवरी एंड मई। फरवरी से स्टार्ट होता है, पहले फरवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट होता था, पर 2016 से आप जानते ही होंगे कि फर्स्ट वीक से बजट आने लगा है, तो बजट सेशन फर्स्ट वीक से होता है। और फिर जब तक ये बजट का पूरा कंप्लीशन नहीं हो जाता, सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते, हो सकता है वो मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए या मई में हो जाए। फर्स्ट इज बजट, द सेकेंड वन इज मानसून जुलाई और सितंबर के बीच में, ठीक। थर्ड वन इज विंटर सेशन नवंबर और दिसंबर के बीच में। ये नॉर्मल ईयर का सीक्वेंस है। फाइनेंशियल ईयर का सीक्वेंस कैसे हो जाएगा? अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, द फर्स्ट सेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी मॉनसून, द सेकंड वन बी विंटर, एंड द थर्ड वन विल बी बजट। सो दीज आर द जनरल थ्री एनुअल सेशंस। अदर देन दीज सेशंस देर आर जॉइंट सेशंस, देर आर स्पेशल सेशंस। व्हेनेवर एनी इंपॉर्टेंट वर्क हैज टू बी डन, प्रेसिडेंट कैन समन एनी स्पेशल सेशन, जिसमें एक दिन के लिए ही सही जो पार्लियामेंट है वो गैदर होती है कोई स्पेशल पर्पज से। ज्वाइंट सेशन भी हमने प्रेसिडेंट के टाइम पढ़ा था, इवन पार्लियामेंट में भी हमने लास्ट क्लास तक की भी कई दफ़े इसका जिक्र किया। ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या होता है? वेयर द लोकसभा एंड राज्यसभा मीट्स टुगेदर, ऑल द मेंबर्स सिट टुगेदर एंड डिसाइड द लेजिस्लेटिव एंड डिसाइड्स ओवर द क्वेश्चन ऑफ लेजिस्लेशन, जो पहले डिसाइड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये जनरल एनुअल सेशंस होते हैं, दूसरा स्पेशल सेशन होता है, तीसरा जॉइंट सेशन होता है। ठीक है, अब इन सेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखें, समनिंग, एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट साइंड आए, प्रोरोग एंड रिजोल्यूशन, ये सब सेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं। समन, ये तो प्रेसिडेंट वाले टाइम पे भी बताया मैंने और कई बार इस चीज़ को दोहराया। यू नो व्हाट अ समन मींस, कॉमनली लीगल वर्ड में किसी को कॉल करना, कोर्ट का भी समन होता है, कॉलिंग मतलब समन। ठीक है, इफ़ आई एम समनिंग समथिंग मतलब आई एम लीगली गिविंग अ कॉल फॉर समथिंग, कोई चीज़ के लिए मैं कोई चीज़ को बुला रही हूँ। ठीक है, कोई चीज़ को इन्वाइट करी, कोई चीज़ को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आई एम कमेंसिंग समथिंग। ठीक है, तो समन मतलब स्टार्ट ऑफ द सेशन। ठीक है, अब देखिए एक सेशन में एक मीटिंग होती है, तो यहाँ दो चीजें ध्यान में रखना है, एक है सेशन और सेशन के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स या सीटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो अगर समन की बात करें तो सेशन को भी समन किया जाता है, यानी सेशन को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, मीटिंग को भी समन किया जाता है, डेली मीटिंग हो या कभी भी मीटिंग बुलानी हो तो उस मीटिंग को भी समन किया जाता है। तो याद रखिए सेशन को जो समन करता है वो है प्रेसिडेंट, जबकि एक पर्टिकुलर डे की मीटिंग को जो समन करता है वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब अगर लोकसभा की मीटिंग को बुलाना है तो स्पीकर बुलाएगा, राज्यसभा की मीटिंग को बुलाना है तो जो चेयरमैन है वो बुलाएगा। मीटिंग को समन करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पूरे सेशन को समन करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, दिस इज समनिंग, डू रिमेंबर दिस। ठीक, नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब कोई चीज को एडजर्न करना, सस्पेंड करना। एडजर्नमेंट जो होता है वो मीटिंग का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा समन जो होता है वो सेशन का भी होता है और मीटिंग का भी होता है, दोनों को कॉल किया जाता है। लेकिन एडजर्नमेंट वर्ड इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू अ मीटिंग ऑफ एनी डे।
a meeting is adjourned, not a session. Session cannot be adjourned. Meeting is adjourned. ठीक है, जब एक दिन का पूरा काम हो जाता है एक दिन की मीटिंग में, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, he only declares the adjournment of the meeting that today's work has been completed successfully and we will be meeting on a particular date after 2 days, 3 days and he'll be giving a day. ठीक है, normally एक session में daily meetings होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जो presiding officer है वो बता देता है that the meeting is adjourned for 2 days or 3 days or 4 days. ठीक है, फिर 2-3 दिन के बाद फिर से वो लोग मिलते हैं. तो ऐसे session में कई बार meeting summon होती है, कई बार meeting adjourn होती है. Meeting को summon करना भी presiding officer का काम और मीटिंग को एडजर्न करना भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम. ठीक है, तो एडजर्नमेंट सस्पेंड कर रहे मीटिंग को, कोई पर्टिकुलर डेट दे दे रहे, वो जो लोकसभा का है वो स्पीकर एडजर्न करेगा और अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन सस्पेंड करेगा. ठीक है, एडजर्नमेंट साइंड है, ये इसी का एक पार्ट है. अगर कोई पर्टिकुलर डेट या ड्यूरेशन नहीं बताई गई कि अगली बार हाउस कब मिलेगा, मतलब अगर एडजर्नमेंट इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होता है तो उसी को बोला जाता है एडजर्नमेंट साइन डाय. ठीक है, साइन डाय हियर इंडिकेट्स इनडेफिनिट टाइम पीरियड. ठीक, जैसे कि इफ आई एम अ स्पीकर एंड इफ नॉर्मली आई डू एन एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, आई विल से द मीटिंग विल बी एडजर्न फॉर 3 डेज, वी विल मीट अगेन ऑन, मान लीजिए 25th, 26th, ऐसा करके कुछ बोल दिया गया. ठीक है, आई विल गिव अ डेट. ठीक है, द मीटिंग इज जर्न टिल 26th of September. ठीक, ऐसा बोल दिया गया. बट इफ द डेट और द नेक्स्ट डेट इज नॉट डिसाइडेड फॉर सम रीजन, देन द स्पीकर विल से द मीटिंग इज एडजर्न्ड साइन डाय, दैट इज फॉर एन इनडेफिनिट टाइम पीरियड. और जब भी फिर वो डेट डिसाइड हो जाएगी तब फिर से समन कराया जाएगा मीटिंग को और वो मीटिंग हो सकती है. वो समनिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करेगा. जनरली ऐसा होता है कि एडजर्नमेंट साइंड आए जब पूरे काम हो जाते हैं, तो लास्ट लास्ट में जब पूरे सेशन को कम्प्लीट करना होता है ना, तब एडजर्नमेंट साइंड आए होता है. और वो जब साइंड आए एन इनडेफिनिट पीरियड के लास्ट लास्ट में जब मीटिंग सस्पेंडेड रहती है, जब मीटिंग नहीं होती, उसी दौरान सेशन को ख़त्म कर दिया जाता है. ऐसा ही होता है, मतलब लास्ट वाले जो मीटिंग होती है किसी भी सेशन की, अक्सर उसमें क्योंकि अब अगले बार मीट नहीं करना है तो उसमें बोल देता है स्पीकर द मीटिंग इज एडजर्न साइन डाय. फिर वो साइन डाय मतलब इंडेफिनेट पीरियड के दौरान ही फिर उस पूरे सेशन को एंड कर दिया जाता है. ठीक है, सो एडजर्नमेंट साइन डाय, एडजर्नमेंट फॉर इंडेफिनेट टाइम पीरियड. देन कम्स द प्रोरोग. प्रोरोग मतलब एंडिंग द एंटायर सेशन. अभी अभी मैंने बोला ना कि व्हेन अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनाउंसेस एडजर्नमेंट साइन डाय, इन दैट टाइम पीरियड ओनली द सेशन कैन बी एंडेड. सो दैट एंडिंग ऑफ द सेशन इज नोन एज प्रोरोगेशन एंड इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. सो प्रोरोग इज ऑफ सेशन एंड इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. वी ऑल हैव स्टडीड इट इन द चैप्टर ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट में बताया था मैंने आपको कि द प्रेसिडेंट summons and prorogues the session. ये वही चीज़ है. तो देखिए, जो चीज़ एक मीटिंग के लिए एडजर्नमेंट होती है वही चीज़ एक सेशन के लिए प्रोरोगेशन होता है. मीटिंग को ख़त्म करना है तो एडजर्नमेंट कहलाएगा, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा. सेशन को ख़त्म करना है तो उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं, वो प्रेसिडेंट करेगा. आई होप दैट इज क्लियर. नॉर्मली इन द ड्यूरेशन ऑफ एडजर्नमेंट साइंड आए, प्रोरोगेशन का ऑर्डर प्रेसिडेंट रिलीज कर देता है और पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, दीज आर वेरी सिंपल टर्म्स. आई एम ओनली ट्राइंग टू क्लेरिफाई ऑल द डाउट्स विच यू माइट बी हैविंग. जो आपने पढ़ लिया, रट लिया, उसके बाद भी कहीं कहीं कुछ चीज़ें बहुत क्लियर नहीं होती, इस वजह से मैं कहीं कहीं आपको लग रहा होगा कि इट इज़ ओवर एक्सप्लेनेशन. बट जो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार इतना ज़्यादा घुमा दिया जाता है कि हम जिसे ABCD समझ रहे होते हैं, हमको लगता है कि वो तो XYZ था, हमको तो पता ही नहीं था. कई बार हमें बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ों में फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर. आप उन चीज़ों में ना फंसें, इस वजह से मैं छोटे छोटे टर्म्स को भी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ. इट इज़ ओनली फॉर योर बेनिफिट. ठीक है, द लास्ट थिंग इज डिसॉल्यूशन. डिसॉल्यूशन मतलब एंड ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा. व्हाट डज इट मीन? एंड ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा. वी ऑल नो दैट कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व होती ही नहीं है. ठीक है, बट लोकसभा का एक टर्म होता है, दैट इज 5 ईयर, और 5 ईयर के बाद वो डिसॉल्व हो जाती है. तो ऐसा
सेशन का टाइम पीरियड जब एक हाउस ही पूरा एंड हो जा रहा है, ना तो सेशन की बात हो रही है ना मीटिंग हो रही है, एक द टर्म ऑफ द एंटायर हाउस इज गेटिंग एंडेड, दैट इज नोन एज डिसॉल्यूशन, इन लोकसभा का डिसॉल्व होना. ठीक है, याद रखिए एंड ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा. अब ये डिसॉल्यूशन में ध्यान रखिए, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो 5 साल का जो ड्यूरेशन लोकसभा का है वो खत्म हो गया तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, दूसरा आप जानते ही होंगे कि द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट. आप प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर में इस चीज को पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट व्हेन एवर रिक्वायर्ड. तो राष्ट्रपति के आदेश से या फिर 5 साल की टर्म की एक्सपायरी से डिसॉल्यूशन होता है. ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि सेशन से रिलेटेड हैं, इतनी चीज़ें हैं. लेकिन डिसॉल्यूशन अभी और बचा है. जब भी लोकसभा का टर्म ख़त्म हो जाता है तब जो भी पेंडिंग बिल्स होते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, उनका क्या होता है? क्या मतलब? अब देखें, मान लीजिए कोई बिल है, आपने पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस तो पढ़ा ही था ना लास्ट क्लास में, तो उसमें देखिए कोई ऐसा बिल होता है, नॉर्मली क्या होता है, कोई बिल लोकसभा में आता है, फिर वहां से राज्यसभा जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है. ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, या उल्टा भी हो सकता है, राज्यसभा में आता है फिर लोकसभा में जाता है फिर राष्ट्रपति के पास. अब बिल अगर लाया गया तो इन तीनों में से किसी न किसी एक जगह में तो होगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में या राष्ट्रपति के पास. अब अगर बिल कहीं पर है इन तीनों में से किसी भी जगह में और उस वक्त लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो जो बिल्स पेंडिंग पड़े हैं उस जगह पर उसका क्या होगा? उसका क्या होगा मतलब, क्या वो अपने आप एंड हो जाएंगे या फिर वो वैसे ही बने रहेंगे और नई लोकसभा के बाद उस पर डिसीजन होगा? तो जनरली उसके लिए आपको एक टेबुलर फॉर्म में मैं कुछ चीज़ें समझाती हूँ. कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, या मैं कहूँ कुछ ऐसी पोजीशंस या कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशन में जितने पेंडिंग बिल्स होते हैं वो अपने आप एंड हो जाते हैं, वो मतलब उनको हटा दिया जाता है, और जब नई लोकसभा आती है तो फिर वो नए सिरे से लाए जाते हैं बिल्स, यानी उन्हीं बिल को नई लोकसभा में फॉरवर्ड नहीं किया जाता. लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पुराने बिल्स पेंडिंग जो हैं वो एंड नहीं होते हैं, और नई लोकसभा वो जैसे मान लीजिए राज्यसभा में पड़ा हुआ है बिल, लोकसभा भंग हो गई, ठीक है, तो ये वाला बिल जो राज्यसभा में पड़ा हुआ है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा कि ये आगे फॉरवर्ड किया जाएगा नई लोकसभा में, यही बिल आगे फॉरवर्ड किया जाएगा कि नया बिल लाया जाएगा? यही बात अभी हम समझने वाले हैं. वी आर एक्चुअली नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन द पेंडिंग बिल्स. अब वो जो बिल्स पेंडिंग हैं वो मैंने कहा तीन में से किसी एक जगह पे रह सकते हैं, या तो वो लोकसभा में रहेंगे या राज्यसभा में रहेंगे या तो प्रेसिडेंट के पास, तो वो अपने आप एंड होंगे या फिर उनको वैसे ही रखा जाएगा और नई लोकसभा आएगी तो वही पेंडिंग बिल्स को फॉरवर्ड किया जाएगा. मतलब हम यहाँ पर पेंडिंग बिल्स का फ्यूचर जानने जा रहे हैं कि कौन से लैप्स होते हैं कौन से नहीं. यहाँ पे इफेक्ट में हम यही देखेंगे कि कौन से ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाते हैं कौन से नहीं. यहाँ पे कंडीशंस लिखी गई हैं कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो रही है तो वो बिल कहाँ पर है, कहाँ से पास हुआ है, कहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, और वर्तमान में जहाँ पे लोकसभा जिस समय लोकसभा भंग हुई उस वक्त वो बिल कहाँ है, तो उसकी उस पोजीशन पर ही डिपेंड करता है कि वो बिल लैप्स होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी कंडीशंस हैं कि लोकसभा के डिसॉल्यूशन के समय बिल कहाँ है, यहाँ पे वो तीन जगह हैं जहाँ बिल हो सकता है, और यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेशंस लिखे हैं जिसके ज़रिए हम इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे. अगर मैं टेबल में कहीं टिक करती हूँ तो इसका मतलब उस हाउस से वो बिल पास हो गया है. सो अब हम एक एक करके कंडीशन देखते हैं और ये देखते हैं कि बिल जो भी पेंडिंग है लोकसभा के डिसॉल्यूशन के वक्त वो लैप्स होता है कि नहीं. पहली कंडीशन देखिए, बिल प्रेजेंटेड इन लोकसभा. पहली कंडीशन है कि कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस भर हुआ है. इसका क्या मतलब निकला कि लोकसभा में वो बिल पेंडिंग है, अभी लोकसभा में चर्चा हो रही होगी, वोटिंग नहीं हुई होगी, और जाहिर सी बात है कि वो राज्यसभा नहीं पहुंचा होगा बिल अभी तक, बिकॉज लोकसभा में प्रेजेंट हुआ है ना, वोटिंग होके पास होगा तब राज्यसभा जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा. इसका मतलब द बिल इज पेंडिंग इन लोकसभा. सो यह जो आप नोट यहाँ पे देख रहे हैं इंडिकेशंस, राइट इज फॉर पास, यानी कि मान लीजिए एक हाउस में वोटिंग हो चुकी है और अगर दूसरे हाउस में गया तो जिस हाउस में वोटिंग हो चुकी है उस हाउस ने अगर पास कर दिया तो मैं आप टिक में लगाऊंगी. ठीक है, क्रॉस इज फॉर रिजेक्टेड, हाउस में वोटिंग हो गई
लेकिन हाउस में मेजॉरिटी नहीं मिली उस बिल को और वो वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। अगर मैं डैश कर रही हूँ मतलब वहाँ पे वो पेंडिंग है, फिलहाल उस जगह पर वो पेंडिंग है। जैसे अभी मैंने बोला कि अभी लोकसभा में ही बिल प्रेजेंट हुआ है तो वहाँ पर वो पेंडिंग है, तो वहाँ पर मैं ये डैश लगाऊंगी। और जहाँ पर नहीं पहुँचा, जैसे अभी लोकसभा में बिल है और अभी वहाँ पे पेंडिंग है तो जाहिर सी बात है राज्यसभा प्रेसिडेंट के पास नहीं पहुँचा, तब वहाँ पे ये वाला सिंबल लगाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि वो लैप्स होता है कि नहीं। तो देखिए, बिल प्रेजेंटेड इन लोकसभा मतलब अभी वो पेंडिंग है लोकसभा में, कहाँ नहीं पहुंचा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास। तो ऐसा बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है और इस समय लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल लैप्स हो जाता है। द बिल लैप्सेस, लोकसभा का बिल है और वही लोकसभा डिसॉल्व हो गई। ठीक है, अभी पेंडिंग है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो पूरी लोकसभा ही भंग हो गई, तो वो बिल भी अपने आप लैप्स हो जाता है। ठीक है, अगली बार जब नई लोकसभा आएगी तो वो नए सिरे से बिल को लाया जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन। दूसरी, बिल प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, बिल्कुल यही चीज़ अगर राज्यसभा में होती है, कोई ऐसा बिल है जो राज्यसभा में आया है, अभी वोटिंग नहीं हुई है, अभी तक डिस्कशन वाली स्टेज में, मतलब द बिल इज पेंडिंग इन राज्यसभा। इफ़ इट इज पेंडिंग इन राज्यसभा मतलब इट हैजंट रीच्ड लोकसभा नॉर इट हैज रीच्ड प्रेसिडेंट, तो हम ये वाला सिंबल नॉट रीच्ड वाला दोनों लगाएंगे। ऐसा बिल डजंट लैप्स, इट डजंट लैप्स बिकॉज द बिल हैज़ बिन प्रेजेंटेड इन राज्यसभा एंड इट इज स्टिल इन राज्यसभा। वो वहाँ से पास हो कि लोकसभा पहुँचा ही नहीं अभी, प्रेसिडेंट तो भूल जाए, थर्ड स्टेज है अभी, तो बिल, मैं राज्यसभा की मेंबर हूँ, मैंने एक बिल प्रेजेंट किया, वी आर डिस्कसिंग, और लोकसभा डिसॉल्व हो जा रही, तो फिर इस बिल पर लोकसभा के डिसॉल्यूशन का क्यों कोई असर पड़े, तो ये बिल लैप्स नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जब नई लोकसभा आएगी तो जब लोकसभा में जाने की बात होगी तब देखा जाएगा, अभी ये लैप्स नहीं होगा, अभी राज्यसभा में इस पर चर्चा भी चलेगी, इसमें वोटिंग भी होगी और फिर जो भी लोकसभा उस वक्त मौजूद रहेगी, अगर यहाँ से पास हो गया बिल तो फिर उस नई लोकसभा को दे दिया जाएगा। द बिल विल नॉट ऑटोमेटिकली लैप्स। ठीक है, सो इन दिस कंडीशन द बिल वोंट लैप्स। थर्ड है, बिल पास्ड इन लोकसभा, इसका एक एक्सटेंशन है, मैं कहूँ ये फर्स्ट वाली कंडीशन का एक स्टेप अहेड। ऐसा नहीं बोल रही कि मैं बिल प्रेजेंट हुआ है, बिल प्रेजेंट भी हुआ लोकसभा में, डिस्कशन स्टेज पर नहीं है, वोटिंग हो चुकी है और लोकसभा ने पास कर दिया है। ठीक है, लोकसभा में ही बिल आया है, डिस्कशन हो चुका, वोटिंग हो चुकी है और बिल पास हो गया। ठीक है, तो मैं लोकसभा में टिक कर दूंगी क्योंकि बिल पास हो गया। ठीक है, अब जब वो पास हो गया तो इस टाइम पर बिल कहाँ होगा, जाहिर सी बात है सेकेंड हाउस में होगा, तो बिल पेंडिंग कहाँ होगा, राज्यसभा में, और अभी तक प्रेसिडेंट के पास नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, समझ में आ रही, तो बिल पास इन लोकसभा यहाँ से पास हो गया, अब वो राज्यसभा में पेंडिंग होगा और इस वक्त अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो क्या होगा, द बिल विल लैप्स, द बिल लैप्सेस। ठीक, तो याद रखिएगा, एनी बिल विच इज ईदर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और विच हैज़ बिन पास फ्रॉम द लोकसभा, बोथ टाइप्स ऑफ बिल लैप्सेस। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उस दौरान जो बिल लोकसभा में प्रेजेंट हुआ है या जो बिल उसी वक्त लोकसभा से पास होकर राज्यसभा फॉरवर्ड हुआ है, वो दोनों ही तरह के बिल लैप्स हो जाते हैं, लोकसभा का बिल लैप्स हो जाएगा, वो डिस्कशन स्टेज पर हो या वोटिंग में पास भी होके वो राज्यसभा में चला गया हो, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा वाला बिल नहीं होगा। अगला कंडीशन देखते हैं, बिल पास इन राज्यसभा, सेकेंड जो कंडीशन है उसका एक स्टेप अहेड है। ठीक है, मतलब बिल्कुल यही चीज़ हम राज्यसभा के लिए डालेंगे, बिल पास इन राज्यसभा मतलब बिल आया है राज्यसभा में और पास हो गया, वहाँ पे वोटिंग हो गई, अब यहाँ पे पास हो गया मतलब ये बिल कहाँ गया होगा, लोकसभा, तो लोकसभा में होगा ये पेंडिंग, है ना, और राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचा होगा। इस टाइम पे, इस कंडीशन पे अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो क्या होगा, अब वो बिल राज्यसभा से पास होके भले ही आया है पर अभी फिलहाल तो लोकसभा में है ना, और इस टाइम जो उस पर डिसीजन लेने वाली लोकसभा वही डिसॉल्व हो जाती है तो बिल विल अगेन लैप्स, द बिल लैप्सेस। लोकसभा के पास आया, भले ही राज्यसभा का बिल है पर लोकसभा के पास आया है, अभी मौजूद है उसके पास, और लोकसभा ही भंग होगी तो बिल भी ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, राज्यसभा को फिर नए सिरे से नया बिल ला करके लोकसभा को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बिल लैप्स हो जाता है। अगली है, बिल पास्ड इन बोथ द हाउसेस। ठीक है, मतलब वो चाहे लोकसभा का इनिशिएटेड हो चाहे राज्यसभा का इनिशिएटेड हो, मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल आया, दे डिस्कस, दे वोटेड एंड दे पास्ड, देन इट वॉज फॉरवर्डेड टू राज्यसभा, दे ऑल्सो डिस्कस, दे वोटेड एंड दे ऑल्सो पास्ड,
Now the bill is pending on the table of president. ठीक है, थर्ड स्टेज लेजिस्लेटिव प्रोसेस का यही है, इट विल गो टू द प्रेसिडेंट. इस कंडीशन पे अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, दोनों हाउसेस ने किसी बिल को पारित कर दिया है और अभी वो टेबल पे प्रेसिडेंट के पड़ा है, प्रेसिडेंट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन यट, एंड उस टाइम पे लोकसभा भंग हो जाती है, द बिल डजंट लैप्स. ठीक है, क्योंकि दोनों हाउस की लेजिस्लेटिव प्रोसेस से गुजर चुका है तो लोकसभा की डिसॉल्व होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक, लोकसभा जब भी नहीं आएगी उसे कोई इसका लेना देना नहीं, प्रेसिडेंट जब चाहे इस पर डिसीजन ले सकता है, द बिल वोंट ऑटोमेटिकली लैप्स. कमिंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, बिल रिजर्व फॉर ज्वाइंट सेशन. ठीक है, ज्वाइंट सेशन के लिए रिजर्व हुआ, इसका क्या मतलब, हम कैसे इसको पुट कर सकते हैं, किसी एक हाउस में पास हो गया होगा, दूसरे हाउस में फेल हो गया होगा. जरूरी नहीं कि लोकसभा में और राज्यसभा में फेल, हो सकता है राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में फेल, तभी तो ज्वाइंट सेशन होता है. ठीक है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ने बुलाया है ज्वाइंट सेशन, या मैं सीधा ज्वाइंट सेशन ही लिख देती हूँ. ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के पास पहुँचा नहीं है, एक डेडलॉक हो गया है जिसमें से लोकसभा राज्यसभा एक ने हाउस ने पास कर दिया दूसरे ने नहीं किया, एंड प्रेसिडेंट हैज कॉल फॉर द ज्वाइंट सेशन. इस कंडीशन पे अगेन बिल डजंट लैप्स, द बिल डजंट लैप्स, बिकॉज एक बार दोनों ही हाउस में वोटिंग हो चुकी है, भले ही पास किए हों भले ही रिजेक्ट किए हों, बात उस पर डिपेंड नहीं करती. अभी कहीं पर पेंडिंग नहीं है दोनों हाउस में, दोनों हाउस की प्रोसेस से निकल चुका है बिल, एक बार के लिए ही सही. ठीक है, एक बार के लिए सही निकल चुका है तो बिल कभी लैप्स नहीं होता ऑटोमेटिकली, अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो बिल लैप्स नहीं होता. ठीक, लास्ट है यूज ऑफ सस्पेंसिव वीटो. ठीक है, अगर सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया है प्रेसिडेंट ने तब, तो एक ऐसी कंडीशन होगी लोकसभा ने बिल पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी कर दिया, तभी तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, दोनों हाउसेस से पास हो गया तभी प्रेसिडेंट के पास जाएगा. प्रेसिडेंट ने सस्पेंसिव वीटो का यूज किया, मतलब उन्होंने लोकसभा के पास या पार्लियामेंट के पास बिल को रिव्यू करने के लिए वापस भेजा है, और जब वापस भेजा है उस दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ये वो कंडीशन है. ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा कि जब प्रेसिडेंट ने वापस भेजा है तो उस दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो जा रही है, तो फिर इसका मतलब रिव्यू कौन करेगा, हो सकता है वो बिल लैप्स हो जाता होगा. नहीं, इस कंडीशन में भी बिल लैप्स नहीं होता, डजंट लैप्स, द बिल डजंट लैप्स, बिकॉज एक बार जो मैं इसके एक दो पॉइंट पहले से बोल रही हूँ, एक बार भी अगर दोनों हाउसेस से बिल पास हो चुका है, एक बार भी पास हो चुका है मतलब क्रॉस हो चुका है, क्रॉस, भले ही किसी हाउस ने पास किया हो, भले ही दूसरे हाउस ने फेल किया हो, बट दोनों हाउस में एक बार बिल के ऊपर वोटिंग हो चुकी है एक बार भी, ठीक है, तब वो बिल ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होता. तो आप इस वजह से देख सकते हैं कि लास्ट की तीनों जो कंडीशन है इसमें बिल पर एक ना एक बार वोटिंग हो चुकी है. यहाँ पे दोनों में पास हो गया, एक में इसने पास किया, इसने फेल किया, इसमें भी दोनों ने एक बार पास कर दिया, तो एक एक बार वोटिंग दोनों हाउस में हो चुकी है ना, फिर भले कोई भी कंडीशन की ना हो बिल ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होता है. सिर्फ तीन कंडीशन है जिसमें लैप्स होता है, लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया हो, लोकसभा से बिल पास करके राज्यसभा में गया हो, या फिर राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में आया हो. तीन ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें बिल लैप्स होता है, बाकी चार कंडीशन में लैप्स नहीं होता है. आई होप आपको ये समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, राज्यसभा का जो बिल है अभी वो डिस्कशन पे है तो वो लैप्स नहीं होगा, और लोकसभा का बिल जो डिस्कशन पे वो लैप्स हो जाएगा, लोकसभा से पास होके राज्यसभा में आया वो भी लैप्स हो जाएगा, राज्यसभा से लोकसभा में गया पास होके वो भी लैप्स हो जाएगा. तीन ही कंडीशन याद रखिए, बाकी कोई भी कंडीशन में बिल लैप्स नहीं होता. ठीक है, सो आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक इनफ, इससे ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद द बजट इन द पार्लियामेंट. हालांकि जो बजट का टॉपिक होता है दैट इज अ टॉपिक ऑफ इकोनॉमी, बट इंडिया का जो यूनियन बजट होता है वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस से पास होकर एग्जिस्टेंस में आता है, इस वजह से हम बजट के जो पार्लियामेंट्री कंसेप्ट्स हैं
जो बजट को पास करने के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, बजट से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको आज पढ़ेंगे हम। बजट जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। नोवेयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म बजट हैज बीन मेंशनड, कहीं पर भी यूज नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट करके एक टर्म यूज किया गया है जिसको हम स्लैंग में बजट बोलते हैं, ठीक है। तो बजट वर्ड आप सभी जानते हैं कि वो एक फॉर्मल वर्ड नहीं है, वो सिर्फ एक स्लैंग लैंग्वेज है और इसको नॉर्मली एक बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो भी आर्टिकल 112, डू रिमेंबर द आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई है। And what a budget is, according to the Constitution, it is a statement of estimated receipts and expenditure of government. जाहिर से बात है, I am only putting into words, मैं कह सकती हूँ कि trying to over explain few such things which we already know in normal terms. But because we are studying it in from legal point of view, from constitutional point of view, I am just trying to give words to what you all already know. मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ। हम सब जानते हैं बजट क्या होता है। हमारे घर का जो बजट होता है, हमारा जो बजट होता है, उसका मतलब ये होता है कि आने वाले वक्त में हमारा कितना खर्चा होने वाला है और हमको कहाँ से इनकम होने वाली है। वही तो बजट है, कितना पैसा है हमारे पास और उसका जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ खर्च होने वाले हैं और हमारे पास पैसे कहाँ से आने वाले हैं। तो अपकमिंग टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए हम जो पैसे का एस्टिमेट रखते हैं, फ्यूचर का जो एस्टिमेट होता है पैसे का, वही बजट होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, इट इज़ द स्टेटमेंट, अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। एक आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम होने वाली है और गवर्नमेंट का कहाँ कहाँ खर्चा होने वाला है, उसी का रिटन स्टेटमेंट बजट होता है। ये बजट जब प्रेजेंट होता है वो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीट को इंडिकेट करता है जो आने वाले साल में है, और इसको पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है तभी वो पैसे निकाले जा सकते हैं या वो पैसे या वो इनकम को जस्टिफाई किया जा सकता है। कहने का मतलब, जो भी ये एस्टिमेट्स हैं इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, बजट नीड्स अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, ठीक है। द गवर्नमेंट विल प्रेजेंट अ बजट एंड इट विल बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, देन ओनली दैट बजट विल बी इनेक्टेड, ठीक। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है, नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर बट अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अ बजट, अ यूनियन बजट कंसिस्ट्स ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, जो मैंने पहले लिखा, वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में बात नहीं होती बजट में कि कितना खर्चा होने वाला, कितना इनकम होने वाली है, क्या क्या तरीकों में चेंज किया जाए जिससे रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़े, ऐसी पॉलिसीज और प्लान्स भी होते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रीजंस ऑफ डेफिसिट्स एंड सरप्लस इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ठीक। ना सिर्फ खर्चा और इनकम की बात हो रही है बल्कि कितना घाटा होगा, कितना सरप्लस हमें मिलेगा, क्यों ऐसा घाटा होने वाला है, क्यों सरप्लस होने वाला है, सारे रीजंस भी देने पड़ते हैं बजट के एक एलिमेंट के, ठीक है, वो बजट में दर्शाया जाता है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द कमिंग ईयर, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी पॉलिसीज लॉन्च कर सकता है या जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो जो भी पॉलिसीज लॉन्च कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा होने वाला है, उन सब का ब्यौरा भी बजट के डॉक्यूमेंट में रहता है। तो एक आंकड़ा कि कितनी इनकम एक्सपेंडिचर है, उसके एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स रहते हैं, उनके रीजंस रहते हैं, घाटों और सरप्लस का रीज़न रहता है, कैसे फाइनेंस बढ़ाया जाए उसके सजेशंस रहते हैं, और नई नई जो भी योजनाएं लागू हो रही हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, उसका पूरा ब्यौरा रहता है, ठीक है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बजट। आगे देखते हैं द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू बजट। पूरा प्रोसेस हम देखेंगे बजट कैसे पास होता है, लेकिन उससे पहले कुछ हाईलाइट्स कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बजट से रिलेटेड कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स। पहला, इट इज़ प्रेजेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। वी ऑल नो दैट ऑल्दो द बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर,
फ्रॉम द साइड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट द बजट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये आप जानते हैं ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर बट इट इज प्रेजेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. ये मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी समझाई थी ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द President, because all the executive actions of India are taken on behalf or in the name of President. Very simple thing. Demand for grant on the recommendation of President. जब आप budget को pass करने का process पढ़ोगे तो वहाँ पे एक step पढ़ोगे जिसे demand for grant बोला जाता है. मतलब जिसमें हर एक ministry जो है अपने department के लिए पैसों की demand करते हैं. उस स्टेप में भी मैं इस चीज़ को रिपीट करूंगी, हालांकि ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में आप नोट डाउन कर सकते हैं, पर वहां पे मैं इसको रिपीट करूंगी कि जब भी डिमांड फॉर ग्रांट किया जाता है तो वो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट से मिनिस्ट्री को परमिशन लेनी पड़ती है. तो डिमांड फॉर ग्रांट के लिए हेड ऑफ द स्टेट की परमिशन ज़रूरी है. राज्यसभा कांट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट. दीज बोथ पॉइंट्स हैज टू बी रिमेंबर्ड रिलेटेड टू डिमांड फॉर ग्रांट ठीक है. ये एकदम ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि डिमांड फॉर ग्रांट में कौन वोट डालता है, तो सिर्फ लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोट डालने के लिए, अप्रूव करने के लिए या डिसअप्रूव करने के लिए. राज्यसभा हैज नो रोल फॉर वोटिंग ठीक है. तो दो चीज़ें याद रखनी है, राष्ट्रपति के परमिशन से डिमांड फॉर ग्रांट प्रेजेंट की जाएगी और दूसरा राज्यसभा जो है वोट नहीं डालेगी डिमांड फॉर ग्रांट में. बजट पे वोट नहीं डालेगी ऐसे नहीं बोल रही हूँ, इसका एक स्टेप है डिमांड फॉर ग्रांट जहाँ पे खास तौर पर एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे बजट में जो पैसे निकालने की बात है कि कहाँ पैसे कम करने कहाँ ज़्यादा है, वो कटनी छटनी के बाद जो पैसे मांगे जाते हैं मिनिस्ट्री में उनको अप्रूव किया जाता है, उस स्टेप में ना राज्यसभा का कोई ज़्यादा रोल नहीं है. नो मनी शाल बी विदड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द अप्रोप्रिएशन बिल. सिर्फ बजट की बात नहीं है, कभी भी इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है अगर उससे पैसे निकालने हैं तो उसके लिए एक बिल आता है जिसको अप्रोप्रिएशन बिल बोला जाता है. अप्रोप्रिएशन बिल आप कह सकते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक अ की टू द लॉक ऑफ आवर फंड. कंसोलिडेटेड फंड की जो ताला है उसकी चाबी अप्रोप्रिएशन बिल है. जब तक कि अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है तब तक उस ताले के अंदर उस केज के अंदर जो पैसे एक्चुअल में रखे गए उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता ठीक है. तो वही बात किया जा रहा है कि आप जितना भी कागजी तरीकों से या डिस्कशन के जरिए बजट के पैसे अप्रूव करवा लो, लेकिन उन बजट के पैसों को राजकोष से निकाला तब जाएगा जब अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा ठीक है. विल बी कमिंग टू दैट ऑन द इन द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन. रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्स ऑन टैक्स रिलेटेड बिल. सबसे सेंसिटिव जो बिल्स होते हैं बजट में वो टैक्स रिलेटेड होते हैं. द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्स ओनली. टैक्स रेवेन्यू सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम होती है, आप जानते होंगे ठीक है. तो अगर टैक्स रिलेटेड कोई बिल आता है तो उसमें भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी रहती है बिल लाने से पहले ठीक. नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ. जो भी लॉ है उसके हिसाब से ही टैक्स लगाया जा सकता है और टैक्स कलेक्ट किया जाता है. पार्ट 12 में फाइनेंशियल रिलेशंस के ज़रिए बताया गया है कि कौन सा टैक्स कौन लगाएगा, कौन वसूलेगा, कौन इस्तेमाल करेगा. तो उसी की बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो टैक्स कलेक्शन और लेवीइंग के लॉज बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग टैक्स का सिस्टम बनाया जा सकता है, उससे बाहर जाकर नहीं. एंड फाइनेंशियल एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इट इज. पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट. टैक्स को आप चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो ठीक है, या आप ख़त्म कर सकते हो पर बढ़ा नहीं सकते. आपने देखे होंगे जब भी टैक्सेस बढ़ते हैं तो उसके फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाता है. सेम फॉर्मेट के जो टैक्स होते हैं उनके उनमें इंक्रीमेंट नहीं होता. अगर आपको टैक्स बढ़ाना है तो फिर टैक्स में कुछ ना कुछ उसके फॉर्मेट में चेंज किया जाता है फिर बढ़ाया जाता है. या मैं कहूँ आप कहेंगे कि अगर कोई टैक्स 12% था तो वही बढ़कर 14% हुआ, ऐसा नहीं. वो बोल दिया जाएगा कि 12% वाला टैक्स अबॉलिश कर दिया गया, अब ये नया टैक्स है जो कि 14% का लगेगा ठीक है. तो आम इंसान को लगेगा कि 12 से 14 हुआ है लेकिन एक्चुअली वो नया टैक्स इम्पोज किया गया ठीक है. एक्सपेंडिचर एस्टिमेट इस एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड प्लस द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. व्हाट डज दैट मीन. जो भी बजट में एक्सपेंडिचर का जो एस्टिमेट आता है उसके दो हिस्से होते हैं. एक होता है वोटेबल पार्ट, दूसरा होता है नॉन वोटेबल पार्ट. मतलब एक हिस्सा खर्चे का वो जिसको पार्लियामेंट अप्रूव या डिसअप्रूव करेगी अपनी वोटिंग करके, और दूसरा हिस्सा
जिस पर पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं होती, यानी पार्लियामेंट डज नॉट हैव द राइट टू वोट। अगर वो खर्चा लिखा है तो वो खर्चा किया ही जाएगा अप्रोप्रिएशन बिल को पास करके, पार्लियामेंट अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करेगी। तो इसमें एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड इज द नॉन वोटेबल पार्ट, इसमें वोटिंग नहीं होती है। आपने कई बार पढ़ा होगा, मैंने पहले भी बताया, ऑल दोस सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हु एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनके पास जो सैलरी दी जाती है उनकी सैलरी आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट, उसकी सैलरी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस ऑफ इंपॉर्टेंट सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये सब इसी तरह के एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब इन सबको सैलरी देनी है तो जाहिर सी बात है ना, कंसोलिडेटेड फंड से निकालना पड़ेगा। अब निकाल रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है इनको सैलरी देने के लिए। लेकिन ये वाली जो सैलरीज होती हैं इस पर वोटिंग नहीं होती, इसी को बोला जाता है चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब बजट पेश किया जाता है ना तो इनका भी ब्यौरा होता है, पर इसमें संसद वोटिंग नहीं करती है। ठीक, और दूसरा है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। जितनी भी फाइनेंशियल पॉलिसीज या जो भी खर्चे नॉर्मल बताए गए हैं बजट में, उनके लिए जो पैसे निकालने हैं उसके लिए संसद वोट कर सकती है। तो इट इज द वोटेबल पार्ट, मतलब हमारे कंसोलिडेटेड फंड से जितना खर्चा होगा उसके दो हिस्से, पहले तो ये इंपॉर्टेंट पदों की सैलरी का पैसा निकाला जाएगा, वो एक खर्चा। दूसरा, बजट में जो भी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम की गई है कि हम इनको लोन देंगे, हम ये वाली पॉलिसी लाएंगे, वो सब के लिए खर्चा होगा, उसके लिए एक पैसा निकाला जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला पैसा निकाला जा रहा है, इट इज़ नोन एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड। और पहला वाला जिसमें सैलरी पेंशन अलाउंसेज है चार्ज्ड, तो चार्ज्ड वाले में वोटिंग नहीं होगी, मेड वाले में वोटिंग होगी। इसी में सेकंड वाले में वोटिंग होगी कि इस प्लान के लिए अगर 10 रुपये बोला गया तो सारे के सारे सांसद डिसाइड करेंगे, वोट करेंगे कि 10 रुपये की ज़रूरत है, कि 8 रुपये की ज़रूरत है, कि 12 रुपये की। फिर पूरी संसद मिलकर डिसाइड करेगी, तब जा करके वो एक्सपेंडिचर किया जाएगा वहाँ से। ठीक है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा। तो याद रखना, चार्ज एक्सपेंडिचर पे संसद वोट नहीं डालती है, इसमें सैलरी अलाउंसेस और पेंशन आते हैं, और इस पे संसद वोट डालती है। नो वोटिंग ऑन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, अभी जो मैंने बताया वही चीज़ लिखी है। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब हम आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ पासिंग अ बजट, बजट को जो पास किया जाता है उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। सो एज यू कैन सी, दीज आर द 6 स्टेप्स जिसमें एक बजट पार्लियामेंट में पास होता है। प्रेजेंटेशन, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, ये स्टेप्स हैं। पहला, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ठीक, बिल्कुल आप इसको ना रिलेट कर सकते हो, जो आपने लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी बिल पढ़ा था उसमें भी ऐसा था ना, बिल इंट्रोड्यूस होगा, फिर जनरल डिस्कशन होगा, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर डिटेल्ड कार्ड चार्ट होगी, फिर फाइनल वोटिंग होगी, था फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग में। वैसा ही अपरेट करो भाई, बजट भी तो एक बिल के जैसे ही आया है, उस पर वोटिंग होगी, है ना, और उसके बाद वो पास किया जाएगा, तो अप्रूव नहीं तो डिसअप्रूव, वही चीज़ है, आप रिलेट करिए। पहला स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, क्या ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इज डन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, राष्ट्रपति के बिहाफ में करता है और लोकसभा में करता है। द प्रेजेंटेशन इज नेवर डन इन राज्यसभा, भले ही फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा का ही मेंबर क्यों ना हो। इट हैड हैपन मेनी अ टाइम्स कि जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है वो राज्यसभा का मेंबर है। ठीक है, तो भले ही वो राज्यसभा का मेंबर क्यों ना हो, वो जो बजट प्रेजेंट करेगा वो लोकसभा में करेगा। ठीक, तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट इन लोकसभा। ठीक, और एक बजट स्पीच के जरिए वो सारी बातों को हाईलाइट करेगा जो मैंने अभी आपको फर्स्ट लाइन में बताया कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, प्लान्स हो, पॉलिसीज हो, एस्टिमेट्स हो, सारी चीज़ों को वो हाईलाइट करेगा। उस टाइम पे जब वो प्रेजेंट कर रहा होगा, कोई डिस्कशन बजट पे नहीं होगा। फिर जैसे ही लोकसभा में उसका बजट स्पीच ख़त्म होगा, वो बजट के डॉक्यूमेंट राज्यसभा में प्रेजेंट करेगा इंडिया का फाइनेंस सेक्रेटरी। तो पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, इंडिया का फाइनेंस सेक्रेटरी राज्यसभा में पेश करता है और इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में।
ठीक है। तो इस तरह से दोनों सदनों के पास बजट चले जाता है और इमीडिएटली उस बजट पर कोई डिस्कशन नहीं होता है, सारे के सारे सांसद मतलब उस दिन बजट प्रेजेंटेशन वाली मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाता है कुछ दिन तक के, सारे सांसद जो हैं, सारी मिनिस्ट्री जो है उस बजट को थोड़ा बहुत स्टडी करती, डिटेल नहीं बस उसके ओवरलाइन जो प्रिंसिपल हैं सुपरफिशियली उसको डिस्कशन करते हैं। फिर होता है सेकेंड स्टेज जनरल डिस्कशन, ठीक है, जिसमें दोनों ही हाउसेज में बजट पे जनरल डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। इसमें डिटेल अभी नहीं, बिल्कुल आपको याद है वो जो जनरल डिस्कशन वाला स्टेज लेजिस्लेटिव प्रोसेस में था, बिल्कुल ऐसे जनरल डिस्कशन किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें क्या क्या नया जोड़ना चाहिए था, क्या आपने मिस कर दिया, इस तरह से, ठीक। अभी कोई काट छाट अमेंडमेंट नहीं हो रही, बस जनरल डिस्कशन। उसके बाद जनरल डिस्कशन के बाद जैसे कि वहाँ पे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाता था लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, बिल्कुल वही चीज़ होती है। देर आर 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ जिनको बजट का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो दिया जाता है। ये 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बजट की क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटनी करते हैं, उसको पूरी तरह से जांचते परखते हैं और अपनी अपनी मिनिस्ट्री को बता देते हैं, ठीक है। तो कुछ दिनों तक के स्क्रूटनी होती है डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के ज़रिए, फिर अब पूरा हर मिनिस्ट्री को बजट की हर खामी और अच्छाई यानी कमियां और अच्छाई पता चल गई है क्योंकि टेक्निकली पूरी स्क्रूटनी हो चुकी है, तब फिर आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे उसमें कंसिडरेशन स्टेज था ना वैसे ही था इसमें वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, यानी इस स्टेज पे होगी काट छाट। हर मिनिस्टर को पता चल गया है, हर सांसद को पता चल गया है कि क्या मुझे करना है बजट में, क्या काट छाट करनी है। इस समय में फिर मिनिस्ट्री वाइज डिमांड्स फॉर ग्रांट की जाएगी, मिनिस्ट्री वाइज ये रखी जाती है, ठीक, कि भाई हमारी टेक्निकल टीम ने देख लिया कि इसमें इतना पैसा चाहिए था, इसमें ऐसा चाहिए था, अब हमको इतना पैसा चाहिए, यानी अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्ट्री के लिए वो लोग डिमांड्स करेंगे ग्रांट के लिए, ठीक है। डिमांड नेसेंट स्टेज, जब अप्रूव हो जाएगा तब वो ग्रांट में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे इतने पैसे चाहिए, यानी हमको हमने पूरा टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, आपने जो प्रपोज किया आपने 12 रुपये बोला था हमको 14 रुपये चाहिए और उसकी डिटेल ये है, तो मैंने ये डिमांड की, फिर पूरी पार्लियामेंट से उसको अप्रूव किया जाएगा, तो अगर वो अप्रूव हो गया तो 14 रुपये अब आपको ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डिमांड नेसेंट ड्राफ्ट हो गया, ग्रांट जो हो गया वो अप्रूव फॉर्म हो गया, तो ये वाला स्टेज होता है जिसमें मिनिस्ट्री वाइज ये बोला जाता है। इसमें दो वही बातें याद रखिएगा, कोई भी जो डिमांड फॉर ग्रांट की जाएगी प्रेसिडेंट की परमिशन से की जाएगी। दूसरी बात, ये डिमांड फॉर ग्रांट वाली स्टेज सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती है, ठीक है। राज्यसभा में इस पर वोटिंग नहीं होती है, जो भी मांग की जाएगी उस पर अप्रूवल के लिए सिर्फ लोकसभा के सांसद वोट डालेंगे, ठीक, ये याद रखेंगे। अब इसी में लाया जाता है कट मोशन, कट मोशन, और वो भी तीन तरीके के, एक होता है इकोनॉमिक कट मोशन, दूसरा होता है पॉलिसी कट मोशन, तीसरा होता है टोकन कट मोशन। काट छाट वाला स्टेज है, बजट का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, इसमें क्या पैसे काटने हैं क्या पैसे और जोड़ने हैं वो सभी इसी में डिसाइड हो रहा है, तो इसी दौरान लाया जाता है कट मोशन, जिसमें जो सांसद हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर जो भी पैसे अलॉट किए जा रहे हैं उनमें कुछ कटौती करने की बात करते हैं, ठीक। जैसे पहला इकोनॉमी कट मोशन, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम ए जिसमें बजट में एस्टिमेट किया गया है कि 100 करोड़ उसके लिए लगाए जाएंगे, पर किसी सांसद को लगता है स्क्रूटनी के बाद कि 100 करोड़ बहुत ज़्यादा है, वो काम 80 करोड़ में भी हो सकता है, तो फिर वो उस पॉलिसी ए के लिए या प्रोजेक्ट ए के लिए लाएगा इकोनॉमी कट मोशन। ही विल से दैट आई वांट टू ब्रिंग एन इकोनॉमी कट मोशन ऑफ 20 करोड़ ऑन प्लान ए। तो जो प्लान ए था जो 100 करोड़ का था उसमें इसने 20 करोड़ का इकोनॉमी कट मोशन लाया क्योंकि इसको लगता है कि वो 80 करोड़ में हो सकता है जो 100 करोड़ की बात की गई थी, ठीक है। तो अगर ये 20 करोड़ का इकोनॉमी कट मोशन लाएगा तो 100 में से 20 करोड़ घटा दिए जाएंगे और 80 करोड़ का वो अप्रूव हो जाएगा। लाएगा मतलब अप्रूवल के लिए लाएगा ना, इट इज़ अ मोशन, इट इज़ अ प्रपोजल, आई एम प्रपोजिंग दैट कि 100 करोड़ की जगह पे 80 करोड़ में हो जाएगा, तो 20 करोड़ इसमें से काट दिए जाए, मेरे प्रपोजल को अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल गया तो 20 करोड़ काट दिए जाएंगे। सो इकोनॉमिक कट मोशन इज जस्ट टू मेक अ प्लान मोर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक बनाने के लिए, ठीक है, कि कितने कम से कम में कोई प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है, राजकोष पर भार को कम करने के लिए मोशन लाया जाता है। जहाँ पे भी ज़रूरत लगती है कि ज़्यादा पैसे अलॉटेड है वहाँ पे पैसों को कम किया जाता है।
ठीक है, ये इकोनॉमिक कट मोशन। सेकेंड इज पॉलिसी कट मोशन। अगर किसी एमपी को लगता है कि द मान लीजिए प्लान ए की बात ही कर रही हूँ मैं, कि प्लान ए और पॉलिसी ए इन इट सेल्फ इज वेग, इन इट सेल्फ इज नॉट रिक्वायर्ड, वी आर वेस्टिंग 100 crores ओवर इट, मतलब 20 crore 30 crore काटने से भी कुछ नहीं होगा। किसी सांसद को लग रहा है कि द एंटायर 100 crores अलॉटेड फॉर दैट पॉलिसी ए इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, वी कुड सेव दैट 100 crore फॉर सम अदर पर्पस। तो ऐसे में अगर सांसद को लगता है कि पूरी की पूरी पॉलिसी ही बेकार है या गलत है या अभी इनअप्रोप्रिएट है, इनएडिक्वेट है और उसे हटाना है, तो उसके लिए वो पॉलिसी को काटने के लिए पॉलिसी कट मोशन लाएगा। अब इसमें ध्यान दें कि ये मोशन लाया कैसे जाता है। पॉलिसी कट मोशन लाने के लिए आंकड़ों के टर्म्स में बात होती है, वो सांसद खड़ा होकर कहेगा आई वॉन्ट टू रिड्यूस द बजट ऑफ पॉलिसी ए फ्रॉम 100 crores टू 1 rupee, आई वॉन्ट टू रिड्यूस द बजट ऑफ पॉलिसी ए फ्रॉम 100 crores टू 1 rupee। ठीक, मतलब वो ये बोल रहा है कि वो जो पॉलिसी ए है, मैं प्रपोजल या मोशन ला रहा हूँ कि उसमें अलॉटेड 100 crore को कम करके 1 rupee कर दिया जाए। ठीक, अब 1 rupee करने का प्रपोजल ला रहा है, मतलब क्या 1 rupee में कोई पॉलिसी चलेगी? नहीं, मतलब वो इंडिकेटिव लैंग्वेज में बोल रहा है कि मैं पॉलिसी कट मोशन उस पॉलिसी के लिए लाना चाह रहा हूँ, और अगर इस मोशन को पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाता है तो वो पॉलिसी हटा दी जाएगी। ठीक है, द पॉलिसी विल बी डिलीटेड और इट विल बी रिगार्डेड एज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर द गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी बात होती है, पॉलिसी कट मोशन लाना और उसका अप्रूवल मिलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, काट छाट होना बात अलग है, पूरी की पूरी पॉलिसी को डिसअप्रूव अगर पार्लियामेंट कर रही है तो इट इज़ रिगार्डेड एज अ नो कॉन्फिडेंस ओवर द गवर्नमेंट। ठीक, तो इसमें पैसे काटे जाते हैं, इसमें पॉलिसी काटी जाती है, और याद रखना मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ ना उसमें 100 crore तो एग्जाम्पल है, वो रुपी 1 एग्जाम्पल नहीं है। रुपी 1 ही किया जाता है, चाहे वो 1000 crore की पॉलिसी हो चाहे 500 crore की पॉलिसी हो, जितना भी बजट किसी पॉलिसी में अलॉटेड है और आपको उस पॉलिसी को कट करना है तो उसे कम करके 1 rupee किया जाता है। ठीक है, 1 rupee इंडिकेटिव 0 नहीं किया जाता, इंडिकेटिव रुपये में कि हम उसमें 1 rupee रखने का प्रस्ताव रखते हैं, और अगर पारित हो गया तो वो पॉलिसी हट जाएगी। तो 1 rupee ही रूल है। ठीक, तीसरा टोकन कट मोशन। अगर कोई एमपी को ना तो पैसे उसमें कटवाने हैं ना ही पॉलिसी को हटाना है, उसका जो इंटेंशन है वो कुछ और ही है। उसका इंटेंशन है कि उस पॉलिसी पे डिस्कशन हो, उसका इंटेंशन है कि पॉलिसी की जो प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव हो, और उस बदलाव के लिए एक हेल्दी डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। ठीक है, 100 crore रख दिए गए हैं, पॉलिसी भी ज़रूरी, ठीक है, बट वी नीड फ्यू चेंजेस ओवर दैट पॉलिसी, एंड देन दैट पार्लियामेंटेरियन वॉन्ट टू ड्रॉ द इंटेंशन ऑफ द एंटायर हाउस टूवर्ड्स दैट पॉलिसी, दैट टाइम ही ब्रिंग्स द टोकन कट मोशन वेयर इन ही सेज दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग 100 rupees कट मोशन फॉर द पॉलिसी ए। मतलब अगर एक पार्लियामेंटेरियन को ये लगता है कि किसी एक पॉलिसी में हमको डिस्कशन करके कुछ चेंजेस करना चाहिए स्ट्रक्चर में, तो फिर इंडिकेटिव लैंग्वेज में बोलेगा, क्योंकि कट मोशन में सब पैसों के हिसाब से बात होगी ना, तो उस वो बोलेगा कि मैं पॉलिसी ए जिसमें 100 crore अलॉटेड है उसमें से 100 rupees का कटौती प्रस्ताव रखता। अब 100 rupees भी रूल है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसा एग्जाम्पल ले रही हूँ, 100 rupees ही काटे जाता है। 100 rupees में ना तो बजट पे कोई खास फर्क पड़ने वाला है, सब तो नहीं कि पॉलिसी जो इकोनॉमिक बन जा रही सस्ती हो जा रही, ना ही 100 rupees काटने से पॉलिसी ख़त्म हो जाने वाली। 100 rupees तो एक टोकन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोग समझ जाएं कि दैट पर्सन वॉन्ट्स अ डिस्कशन ओवर दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। तो अगर टोकन कट मोशन पास हो गया तो उस पॉलिसी पर फिर डिस्कशन होगा, फिर जो भी प्रपोजल रखना चाहता है वो रखिएगा कि इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस करना। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें पॉलिसी पर डिस्कशन करने के लिए 100 rupees को एक टोकन के तौर पर इस्तेमाल करके काटा जाता है। पॉलिसी कट मोशन में पॉलिसी ख़त्म करने के लिए पॉलिसी की टोटल अमाउंट को कम करके 1 rupee किया जाता है, और इकोनॉमी कट मोशन में जितने भी पैसे कम करने की बात हो रही है उतने पैसों का कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। Everything is done in this part, voting on demands for grant. ठीक, I hope that is clear. One more thing you need to know, कि इसी time पे अब देखो जब तक ये पूरा process यहाँ तक नहीं हो जाता, जब तक demand for grant में voting नहीं हो जाती, तब तक के
जो बजट है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं भूल गई बताना, देर आर 109 डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, टोटल 109 ग्रांट्स मांगी जाती हैं, जिसमें से 103 जो है वो सिविल ग्रांट्स होती हैं, ठीक, और 6 जो होती हैं वो मिलिट्री ग्रांट्स होती हैं, और 32 ग्रांट्स जो होते हैं वो रेलवे के होते हैं, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। टोटल जो डिमांड्स फॉर ग्रांट होती है वो 109 होती है, सिविल 103 होती है, मिलिट्री 6 होती है, रेलवे का 30 अलग से होता है, ठीक। इसमें ध्यान में रखिए कि रेलवे के बारे में मैं बता दूं, मैं शुरुआत में अगर हम देखें तो रेलवे बजट और जनरल बजट एक साथ आता था, ठीक है। 1921 में एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया, और तब से लेकर के कई सालों तक के ये अलग ही आता रहा। पहले रेल बजट आता था, फिर दूसरे दिन जनरल बजट आता था, लेकिन 2016 में इसको दोबारा मर्ज कर दिया गया, अब जनरल बजट और रेल बजट एक साथ आता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, पहले एक साथ आता था, फिर 1921 में अलग हुआ, 2016 से दोबारा साथ में आता है, ठीक। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, इसे नोट डाउन कर लेना, डिमांड फॉर ग्रांट में जब तक कि वोटिंग नहीं हो जाती, जब तक कि आगे के स्टेप्स पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक के मिनिस्ट्रीज के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, ये तो जाहिर सी बात है। एंड दीज ऑल थिंग्स विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फरवरी में बजट सेशन शुरू हुआ और अप्रैल तक के ख़त्म नहीं हुआ। इंडिया में जीरो बेस बजट है, कैरी फॉरवर्ड बजट नहीं है, मतलब कि पुराना बजट का जो पैसा बच गया उसको हम अगले एक दो महीने चला लें अगले फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा नहीं होता है। इसमें जीरो फेज बजट का मतलब ये होता है, सनसेट पॉलिसी एक होती है जिसमें 31 मार्च के शाम सूरज डूबने तक ही हर डिपार्टमेंट के पास पुराने बजट के पैसे होंगे, आपको इस्तेमाल करना तो उससे पहले कर लो, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो 31 मार्च की शाम सूरज ढलने तक ही वो पैसे आपके डिपार्टमेंट के पास होंगे जो पुराने बजट के, और सूरज ढलते ही वो पैसे लैप्स हो जाएंगे और वापस कंसोलिडेटेड फंड में जमा हो जाएंगे। इसका मतलब कि 1 अप्रैल यानी कि 31 मार्च की शाम को और 1 अप्रैल की स्टार्टिंग तक, रात मतलब मान लीजिए 6 बजे अगर सनसेट होता है, से लेकर रात 12 बजे तक इंडिया के किसी डिपार्टमेंट के पास कोई पैसा नहीं होगा, और जो नए बजट अभी जो सेशन के जरिए अप्रूव हो रहा है वही बजट के पैसे को 1 अप्रैल से इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि पूरे प्रोसेस में अप्रैल आ गया और बजट के पैसे डिपार्टमेंट्स तक नहीं पहुंचे, तो 1 अप्रैल और आगे कुछ दिनों तक के इंडिया कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा जब पैसे ही लैप्स हो गए। तो इस चीज़ के लिए भी इसी स्टेज में एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट में इसी अनफोर्सीन चीज को भापते हुए इसी स्टेप में 2 महीने का एडवांस ले लिया जाता है, जब लगता है कि भाई ये वाला पार्ट जो डिमांड फॉर ग्रांट है इस पर वोटिंग बहस कांड छाट बहुत लंबी चल रही, करते करते मार्च एंड आ रहा है और लग रहा है कि अब 1 अप्रैल तक भाई ये तो पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस ना कंप्लीट होगा, तब तो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस होगा, फिर जाके हर डिपार्टमेंट में जाएंगे, और ये चीज़ भाप ली गई कि शायद बजट के पैसे डिपार्टमेंट तक 1 अप्रैल तक नहीं पहुँच पाएंगे, तब फिर इसी डिमांड फॉर ग्रांट की स्टेज पे किया जाता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट एक ऐसा प्रपोजल है जिसमें मिनिस्ट्रीज जो हैं जितना भी एस्टिमेटेड बजट है, जैसे कि कोई मिनिस्ट्री को 500 करोड़ अलॉट करने वाले हैं, किसी को 600, किसी को 1000, अपनी अपनी मिनिस्ट्री से ये लोग जितना भी एस्टिमेटेड बजट है उसका 1/6 हिस्सा एडवांस में लेके रख लेते हैं, ठीक है, कि जितना भी बजट पास होगा उसके बाद जितना एडवांस लिया वो एडवांस काट के बाकी पैसा ये लोग बाद में ले लेंगे, लेकिन अगर बजट नहीं पास हुआ अप्रैल तक तो अप्रैल मई यानी 1-2 महीने के लिए इनके पास कुछ रकम हो ताकि जीरो बैलेंस ये ना हो जाए। तो इसीलिए वोट ऑन अकाउंट का बिल अप्रूव कराया जाता है जिसमें याद रखिएगा टोटल एस्टिमेटेड बजट का 1/6 या इसी को मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो 2 महीने का एडवांस पैसा राजकोष से निकलवा करके रख लिया जाता है, हर मिनिस्ट्री तक पहुँचा दिया जाता है। ये लास्ट स्टेप से पहले ही इसी स्टेप में ऐसा कर लिया जाता है, ठीक है। तो 1/6 पैसा पहले दे दिया जाता है वोट ऑन अकाउंट, वही है एडवांस लेना, और फिर जो बाकी बचा लास्ट में काट छाट के बाद जितना भी उनको देना होगा वो एडवांस वाली रकम को काट करके बाकी पैसा मिनिस्ट्रीज को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट मोशन, वोट ऑन अकाउंट, ये सब पॉइंट्स को याद रखेंगे आप, ठीक है। ये मतलब डिमांड फॉर ग्रांट क्या होती है सब याद रखेंगे, ठीक।
उसके बाद आता है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में अभी मैंने बताया था, एक ऐसा बिल होता है जिसके जरिए हम राजकोष को अनलॉक करते हैं और वहां से पैसा निकालते हैं। यहाँ पे पूरा जो फाइनल ड्राफ्ट है बजट का वो तैयार हो गया। अब जितने भी फाइनल पैसे डिसाइड हुए कि किसको कितने देने हैं, उन पैसों को निकालना होगा ना कंसोलिडेटेड फंड से, तो दोनों सदनों में अप्रोप्रिएशन बिल आएगा एंड इट हैज़ टू बी पास्ड। और फिर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता, अप्रोप्रिएशन बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं होता, इसको पास करना ही पड़ता है। दोनों ही सदन इसको पास कर देंगे तो फिर राजकोष से पैसा निकलेगा, वरना नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कुछ डेज भी आप देख सकते हैं, जैसे डिमांड फॉर ग्रांट के एंडिंग के लिए 26 दिन तक के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, इसके लिए 75 दिन के अंदर अंदर अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाना चाहिए, आप उसे भी देख लें। फाइनली अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया तो उसके बाद पैसा निकल के मिनिस्ट्रीज को जाएगा। फिर लास्ट में एक फॉर्मेलिटी के लिए आता है फाइनेंस बिल। बजट का वो हिस्सा जहाँ पे फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, उन फाइनेंशियल पॉलिसीज या फाइनेंशियल जो बिल्स हैं उनको अप्रूव करने के लिए अलग से एक फाइनेंस बिल आता है, इस पर वोटिंग होती है। और अगर ये पास हो गया तो वो सारी पॉलिसीज भी अप्रूव हो जाती हैं और इस तरह से पूरा बजट को पास करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक, तो ये बात याद रखेंगे कि डिमांड फॉर ग्रांट में जब वोटिंग हो रही है तो राज्यसभा वोट नहीं करेगी। दूसरी चीज, सिर्फ वोटेबल पार्ट ऑफ बजट जो उसी में वोटिंग होगी, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड उसमें वोटिंग नहीं होगी। लेकिन जब अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा तो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड एंड मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड दोनों तरह के एक्सपेंडिचर का अप्रोप्रिएशन बिल तैयार होगा और दोनों तरह के पैसे निकाले जाएंगे, यानी वोटेबल एंड नॉन वोटेबल दोनों ही पार्ट्स के पैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ आपका एक बड़ा और पार्ट पार्लियामेंट के अंदर का कंप्लीट होता है, अलग से टॉपिक बजट का। तो आज हमने सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखे और बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आई होप आपको समझ में आए, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो टुडेज वाज द फोर्थ लेक्चर ऑफ पार्लियामेंट टॉपिक, आगे और दो लेक्चर्स होंगे जिसके जरिए टॉपिक कंप्लीट होगा। कहीं और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।